अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 5 एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये दोनों लॉज भी आपने याद करने हैं। पहला क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। इसमें क्या है कि अगर आपके पास सेम बेस हो लेकिन पावर्स डिफरेंट होंगे तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों बेसिस क्या हैं, ए है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। अब इसमें क्या है कि बेसिस तो दोनों की सेम है लेकिन पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है, और दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो और उनके एक्सपोनेंट और पावर अगर चेंज हो तो वो क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। बेस सिंगल हो जाएगी और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। जैसे कि ए एम मल्टीप्लाई ए एन इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। अगर अब आप नीचे एग्जांपल देखें तो क्या है, टू के टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू का क्यूब। अब टू क्या है, दोनों बेसिस सेम है लेकिन पावर्स क्या है, डिफरेंट है, और दरमियान में क्या साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का। तो क्या होगा कि बेस सिंगल हो जाएगी, टू एक दफ़ा ही आ जाएगा और दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू का क्यूब इक्वल्स टू टू, ऊपर क्या आ जाएगा, टू प्लस थ्री। जब टू प्लस थ्री किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, इक्वल्स टू टू की पावर फाइव। इसी तरह सेकंड क्या है, डिवाइडिंग पावर विद सेम बेस। पहला क्या था, मल्टीप्लाई, और दूसरा है डिवाइड वाला। अगर सेम वही प्रोसीजर का बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और दोनों जो उनसी बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हो, तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे प्लस होता था मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन में हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप नीचे एग्जांपल देखें तो क्या है, यहाँ पे थ्री की पावर क्या है, फोर डिवाइडेड बाय थ्री की पावर टू। इसमें अब क्या होगा कि बेस एक ही सिंगल हो जाएगी, थ्री आ जाएगा और जो पावर्स हैं आपस में, फोर और टू आपस में माइनस हो जाएंगी। जब वो दोनों माइनस होंगी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, थ्री का स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो आप उसकी पावर्स को ऐड कर देंगे, और अगर वो डिवाइड में है तो उसकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। तब क्वेश्चन सिक्स, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। क्वेश्चंस को आपने सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर्स हैं, रिजल्ट है, वो पावर नोटेशन की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में होने चाहिए। पार्ट वन क्या है, फोर बाय फाइव का होल पावर फाइव है मल्टीप्लाई फोर बाय फाइव की होल क्यूब है। अब सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, अगर आप क्वेश्चन में नोट करें तो बेसिस क्या है, फोर बाय फाइव लेफ्ट साइड पे भी है और दूसरी साइड पे भी फोर बाय फाइव ही है, यानी कि बेसिस दोनों की सेम है, पावर डिफरेंट और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब आप सोल्यूशन में देखें तो हम बेस एक दफ़ा ही लिखेंगे और दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। जब पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, फोर बाय फाइव का होल की पावर एट। सिंपल, इसी तरह ये आंसर सॉल्व हो गया। इसी तरह अगर आप फोर पार्ट में देखें तो यहाँ पे माइनस फाइव की पावर सिक्स है डिवाइडेड बाय माइनस फाइव की पावर एट है। अब देखें बेसिस इसमें भी सेम है, माइनस फाइव माइनस फाइव। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी आप किस तरह सॉल्व करेंगे, बेस सिंगल एक दफ़ा ही हम लिख देंगे, दोनों पावर्स क्या हैं, सिक्स माइनस एट हो जाएगी क्योंकि बीच में डिवाइड है। जब पावर्स आपस में माइनस हुई तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस फाइव की पावर माइनस टू। और इसी तरह आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेवन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पार्ट वन। टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर फाइव ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय टू की पावर एट। अब इस क्वेश्चन में हमने सिंपली इसे सॉल्व करना है कि अगर आप सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला। अगर आप ब्रैकेट में देखें तो क्या है, बेसिस सेम है, दोनों टू हैं और लेकिन पावर्स चेंज है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। इट्स मीन के इसकी पावर्स क्या हैं, वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और बेस हम सिंपल एक दफ़ा लिख देंगे। कैसे, ब्रैकेट टू की पावर थ्री प्लस फाइव ब्रैकेट डिवाइडेड बाई टू की पावर एट एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या किया कि जब दोनों पावर्स ऐड हुई तो क्या आंसर आया, टू की पावर एट आ गया। फिर एज इट इज़ दूसरी वैल्यू भी आप नीचे कर उतार लेंगे, डिवाइडेड बाय टू की पावर एट। इसी तरह अब क्या है, दरमियान में डिवाइड का साइन आ रहा है, बेसिस सेम आ रही हैं, तो क्या होगा कि इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इक्वल्स टू टू की पावर एट माइनस एट,
जब 8 - 8 किया तो 2 की पावर हमारे पास कितने आ गई है, 0। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो जाएगी तो हमेशा 1 के इक्वल ही होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 1, क्योंकि 2 की पावर क्या आ रही है, 0। इसी तरह आप इस क्वेश्चन का सेकेंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। इनमें क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है और आगे एक ब्लैंक गिवन है जिस पे आपने जस्ट आंसर मेंशन करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -3/8 का होल पावर -1। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव अगर आपके पास एक्सपोनेंट है यानी कि माइनस की फॉर्म में आ रहा है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 1/2 हो जाएगा, 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा, अगर 3/8 लिखा हुआ है तो 8/3 हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएंगे। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या है, 2 की पावर -1 है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2। अगर पावर 1 है तो हम मेंशन नहीं करते। मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 है तो वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी और होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई अब आगे क्या है, -1 है फिर से पावर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3/8 है, ये -8/3 हो जाएगा यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। अब आगे क्या हम स्टेप में करेंगे, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई आ गया, ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली नीचे के साथ, 1 - 1 1, 2 - 3 किया तो 6 हो गया और होल स्क्वायर आ गया और आगे मल्टीप्लाई -8/3 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास यहाँ पे 1/6 का होल स्क्वायर आ रहा है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे यानी कि 1 - 1/6 - 6 मल्टीप्लाई जो सेकंड वैल्यू है एज इट इज़ आ जाएगी -8/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वल्स टू 1 - 1 किया तो 1 ही आ गया, 6 - 6 किया तो वो 36 आ गया और नेक्स्ट स्टेप सेम ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई -8/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब ये सिंपली आपस में इनकी कटिंग नहीं हो रही तो ये सिंपली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगी यानी कि 1 - -8 किया तो -8 ही आ गया, 36 - 3 किया तो 108 आ गया। अब आपने देखना है कि ये दोनों वैल्यूज़ किस टेबल पे कट होती हैं, तो ये दोनों वैल्यूज जो सी हैं 4 के टेबल पे कट हो रही हैं, 4 2 8 और 4 27 108। तो हमारे पास आंसर अब क्या आ गया है, इक्वल्स टू -2/27 जो आप अपनी ब्लैंक में मेंशन करेंगे। इसी तरह आपने इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करके सिर्फ ब्लैंक में आंसर मेंशन करना है।